राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया है। सभापति धनखड़ ने इस पूरे मसले पर सदन में आपत्ति भी जताई। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन कर इस पूरे मुद्दे पर बात की है। पीएम मोदी ने धनखड़ से कहा कि आपको जो आज सुनना पड़ रहा है वो मैं पिछले 20 सालों से सुनता आ रहा हूँ, मगर ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यसभा सभापति धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन किया है। उन्होंने कहा कि जो आज आपको सुनना पड़ रहा है मैं पिछले 20 सालों से ये सब सुनता आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर देश के उपराष्ट्रपति होते हुए आपको ये सुनना पड़ा ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सदन के बाहर राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया गया है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया जा रहा है। टीएमसी सांसद की इस हरकत को लेकर उनकी हर तरफ आलोचना भी की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कल पवित्र संसद परिसर में कुछ माननीय सांसदों के जरिए उड़ाए गए मजाक पर बहुत दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मुझसे बताया कि वो पिछले 20 सालों से ये सब सुनते और अपमान सहते आ रहे हैं, मगर ये भी फैक्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ और वो भी संसद में हो, ऐसा नहीं हो सकता, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्वीट में आगे कहा गया कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि कुछ लोगों की इस तरह की हरकत मुझे मेरे दायित्वों को निभाने और हमारे संविधान में बताए गए सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोकने वाली है। मैं तहे दिल से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं करेगा। दरअसल संसद के दोनों सदनों से 90 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। इसका विरोध जताते हुए विपक्षी सांसदों ने मंगलवार यानी 19 दिसंबर को संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सदन की मॉक कार्यवाही का आयोजन भी हुआ। कुछ सांसद संसद भवन के नए मकर द्वार पर धरना दे रहे थे। उसी समय टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। मौके पर मौजूद राहुल गांधी ने इस पूरी मिमिक्री को अपने मोबाइल फोन में भी कैद किया था, जिसके बाद उनकी भी लगातार आलोचना चारों तरफ की जा रही है।